और खबर बालाघाट से है, जहां झाम सिंह के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के द्वारा आक्रोशित रैली निकाली गई, जिसमें कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। तो वहीं आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से समाज हित से जुड़ी मांगों को लेकर जन आंदोलन किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष पवन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 सितंबर को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें एक माह का अल्टीमेट भी दिया गया था और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण 15 अक्टूबर को जन आंदोलन किया गया। वहीं विधायक संजय उइके ने बताया कि हम लोगों की मांगों को लगातार अनसुनी किया जा रहा है, अभी तक निवेदन किया जा रहा था लेकिन अब उग्र आंदोलन होगा। मृत्यु हुई उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे 10 ब्लॉकों से पूरे आदिवासी समाज के लोग आए और इनकी मांग है कि झाम सिंह को न्याय मिले और अभी तक प्रशासन ने जो काम किया है या निर्देश हुए हैं उसके अनुसार अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पिछली बार भी हमने दिया था, ज्ञापन सौंपा था, इस बार भी हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हुए हैं ज्ञापन सौंप के, अभी अंदर गए हुए हैं कलेक्टर में, इसके साथ से बात हो रही है और जो भी वस्तु स्थितियाँ हैं ये पब्लिक चाह रही है कि जो भी वस्तु स्थितियाँ हैं वो सामने हो, सामने आके जो भी निष्कर्ष निकले प्रतिनिधिमंडल जो गए हैं आने के बाद में पता चले पब्लिक अभी हट नहीं रही, न्याय की फुल मांग है, ये स्थितियाँ।